वेलकम वेलकम माय यूट्यूब दिलकश वीडियो ब्लॉग में आपको खुशाम जी कहते हैं। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम है और मैं अभी जाऊंगा गांव। उधर हमारे जो भैंसे हैं उनको कट्टी पाउडर खत्म हो गया है तो अभी जाएंगे। मैं बाइक पर बैठ गया हूँ, अभी जाएंगे विलेज, आपको विजिट कराते हैं। इधर शहर में कट्टी की शॉप है, मैं उस पर आ गया हूँ। तो दो कट्टे इधर से लेंगे और 4800 बनते हैं इनके। एक कट्टा हमको 40 kg का पड़ेगा 24 रुपये का, तो अभी इससे लेंगे लेंगे विलेज। अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम 9 बज चुके हैं और मैं अपने शॉप पर आया था, इधर से कुछ पैसे लिए और अभी बाइक में तेल भी डलवाना है। तो मैं अभी बाइक पर कट्टी उठा के फिर चलते हैं, आगे की वीडियो बनाते हैं। ये भाई बैठा है अभी शॉप पर, सुबह का टाइम है और इतनी कस्टमर नहीं आते। सामने बाइक खड़ी है और इधर से कट्टी लेके फिर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दो कट्टे उठा लिए हैं और अभी जा रहा हूँ। पेट्रोल हम इधर से 150 रुपये की एक बोतल बनी होती है, वो हम डलवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं विलेज पहुंच गया हूं और ये रास्ता है आपके सामने। पहले तो इधर बहुत पानी था, आपने देखा होगा, और अभी भी पानी नहीं है लेकिन इधर बहुत चीकड़ है। तो तकरीबन 3-4 बार ये जो कट्टे हैं गिर गए हैं। तकरीबन एक कट्टे का केजी है 40 किलो और दो कट्टे हैं तो 80 किलो का वज़न है। मैं इनको घर रख कर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब का पानी उतर गया है हमारे विलेज से और खेतों में अभी भी इधर पानी है। अगले आपने व्लॉग देखे होंगे तो हम इधर से गुजर कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रास्ता अभी कच्चा है लेकिन इसमें पानी नहीं है, ये ठीक हो गया है। तो मैं अभी इधर आ चुका हूँ और चलते हैं घर और भैंसे भी आपको दिखाता हूँ। 5 से 6 बार ये कट्टे गिर चुके हैं और बहुत इन्होंने मेरे को तंग किया है। बहुत रास्ते में झाके थे तो गिर जाते थे, फिर इनको सेट करके फिर बाइक पर बैठता था तो फिर से गिर जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पहुंच गया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी भैंस है और एक ये है और एक ये, एक इधर थी वो हमने बेच दी है और एक ये है। ब्लॉग देखे होंगे कितना पानी था सैलाब का और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कम हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं मछली लेने और हमारे गांव के करीबी मछली का जार लगाया हुआ है और आपको दिखाते हैं मछली का शिकार कैसे करते हैं। पहुंच गए हैं और ये पानी है और इसमें ये जार लगा हुआ है और मछली इसे पकड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इधर से मछली इनका शिकार कर लिया है और ये मछली बाहर निकाल रहे हैं आस्ता आस्ता करके और हम इनसे मछली लेंगे और ले जाएंगे घर, उधर पकाएंगे। तो अभी ये निकाल रहे हैं मछली। ओके यहाँ
कराए हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उसके जो ऊपर वाले छिल्लर हैं और वो उसकी सफाई होगी तो टाइम लग जाएगा। तो अभी टाइम 10 बज रहे हैं और खाना तैयार है, तो अभी हम खाना खाएंगे। मछली और ये गोश्त है भैंस का और गंदम की रोटी खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 बज रहे हैं और खाना मैंने खा लिया है, तो अभी मैं बाहर आया हूँ और अभी बाइक पे बैठे हैं। तो पता नहीं कौन सी टीम आई है, हमारे जो विलेज में रिश्तेदार रहने वाले उन्होंने बोला है कि NIC अपना लेकर आओ, और सैलाब की वजह से जो भी सामान आएगा वो दे रहे हैं। देखते हैं जाते हैं हमको क्या मिलता है। तो NIC कार्ड में अपना लेकर जा रहा हूँ, उधर लिखवाएंगे और देखते हैं आपको भी दिखाएंगे। अभी मैं खड़ा हूँ और मेरा मामू का बेटा है वो तैयार हो रहा है, उसको भी लेकर चलेंगे। और जो मेरे चाचू हैं वो गए हैं और हम अभी इधर खड़े हैं तो जाएंगे। और ये मामू का बेटा अभी आ रहा है, तो अभी हम इनके साथ में जाएंगे। ये भी NIC लेकर आ रहा है, इसके भी खीसे में है पड़ा, ये भी लिखवाएगा। देखते हैं क्या मिलता है, फिर आपको दिखाएंगे। तो मैं अभी चलता हूँ, जा रहे हैं। ये हमारा विलेज है और ये हम जा रहे हैं अपनी NIC लिख रहा नहीं, और इधर एंट्री हो रही है, एंट्री करा के आपको दिखाते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या मिलेगा, लेकिन कुछ मिला है। लेकिन ये मेरा छोटा चाचू है अभी बैठा है, और ये हमारे विलेज के लोग हैं सारे, बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी आ चुका हूँ, हाल ही देख रहे हैं। ये कंपनी का नाम है कोई, इनका बैनर लगा रहे हैं। ये सारे लोग आ चुके हैं और NIC लेकर, और ये पता नहीं इन्होंने क्या दिया है, हम भी बैठ जाते हैं। चुका है और मैंने एंट्री करा ली है, और एक ट्रक आ चुकी है सामने, आपको विजिट कराता हूँ। पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन इनका दिल से शुक्रिया है कि हमारे गांव आए हैं, इन्होंने हमारे गांव की बहुत हेल्प की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छी बात है, किस गरीब का काम कर रहे हैं, गुड वर्क। रश थी तो मैं अभी इधर आ चुका हूँ, एक ट्रक का, ये पता नहीं इसमें क्या पड़ा है। एक ट्रक आ चुकी थी और दूसरी भी आ रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ, वो तो परे है सामने आ रही है। दरों की छांव में बैठा हुआ हूँ, उधर तो बहुत धूप थी और रश भी ज़्यादा थी, बहुत शोर था। तो आपके लिए है, वो भी आपको खोल के दिखाएंगे। ट्रकों से नीचे रख दिया है, देख सकते हो ये सामान है, और अभी ये लोगों को दे रहे हैं। ये सामान दिया है इन्होंने, चेक कर रहे हैं। 40 मिनट हुए हैं और अभी हमारा नंबर आया है, तो बहुत लेट हो गई है। अभी इधर खड़े हैं और इनकी जो एंट्री है वो हो रही है, देखते हैं। सारे जो लोग हैं हमारे गांव के हैं, और इनको सामान मिला है और मेरे को भी ये मिला है। तो पता नहीं इनकी कितने तक टाइम लेंगे, और अभी खड़े हैं हम सुबह से, तक बहुत टाइम हो गया है, और शॉप पर भी जाना है। सामान हमने धो लिया है, बस आखिरी चक्कर है ये लगा के, फिर मैं जाऊंगा अपने शॉप पर। लगी 30 मिनट हुआ है और सामान मैं लेकर आया हूँ, मैं आपको विजिट कराता हूँ। है और ये एक बाल्टी है, और ये मच्छरों के बचाव के लिए मारे हैं, और एक में एक रस्सी है, और ये तड़पाल है, और ये पानी साफ करता है, इसका नाम ये लिगर लिखा हुआ है, गेयर फेड फैमिली फिल्टर, और ये पानी भरने के लिए है, और ये इधर फराश पड़े हैं, और इसमें पता नहीं क्या है। चाय पीने के बाद फिर जाएंगे सिटी शॉप पर, तो अभी मैं इंतज़ार करता हूँ, तब तक चाय बन जाए और दूध भी लेकर चलेंगे। चलते हैं। आ चुका हूँ और टाइम 5:30 हुआ है, तो इधर बहुत काम है रिपेयरिंग का,
कस्टमर आए हैं, कोई MP3 लेकर आए, कोई लाइट, कोई मोबाइल, तो काम पड़ा है सुबह से। मैं अभी वो रिपेयर करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह रोजी करेंगे। तो वीडियो का करते हैं एंड, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।